साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसेंसिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, पूरा देश पिछले कुछ महीनों से कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस सब में बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालय बंद चल रहे हैं और किसी तरह से ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं, उसमें भी सभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इस सब को देखते हुए CBSE ने अपनी कक्षाओं में पाठ्यक्रम को घटा दिया है और उनमें से जो उनके कोर्स होते हैं, कोर्स में से उन्होंने कुछ पाठों को हटा दिया है। साथ ही परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न में भी बदलाव किया है। तो आज हम आपके लिए लेके उपस्थित हुए हैं कक्षा 9वीं और 10वीं के हिंदी विषय के में कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, उनके प्रश्न पत्र में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, इस सब बात की हम आपको यहाँ पे जानकारी देंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10 के लिए देखते हैं कि कक्षा 10 में जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो क्या होगा। सबसे पहले अपठित में देखते हैं। अपठित यानी गद्यांश। गद्यांश में 150 से 200 शब्द होते हैं और ये जो आपको गद्यांश मिलेगा इसमें ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपको कोई दो गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को हल करना होगा और इसमें एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से देखिए पद्यांश में, पद्यांश भी 150 से 200 शब्द का होगा, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यानी दो पद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक पद्यांश को ही आपको हल करना होगा। इसमें भी एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल अपठित, गद्यांश और पद्यांश मिलाकर के ये टोटल 10 नंबर के हो गए, यानी 10 मार्क्स के अपठित होंगे गद्यांश और पद्यांश मिलाकर के। और सबसे एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और गद्यांश और पद्यांश से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण MCQ आएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से कोई एक उत्तर आपको लिखना होगा और टोटल 16 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? टोटल 16 मार्क्स का होगा व्याकरण और इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। व्याकरण में टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 क्वेश्चन में आपको कोई 16 क्वेश्चन यानी 16 प्रश्न ही हल करने होंगे और सेगमेंट पुराने का जैसा ही है। रचना के आधार पर वाक्य भेद पहले भी 4 नंबर का आता था, अभी भी 4 नंबर का आएगा। वाच्य पहले भी 4 नंबर का आता था, अभी भी 4 नंबर का आएगा। पद परिचय पहले भी 4 नंबर का था, अभी भी 4 नंबर का आएगा। रस पहले भी 4 नंबर का था, अभी भी 4 नंबर का आएगा। लेकिन बस यही है कि ये MCQ के रूप में हो गया और आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन में कोई 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे देखते हैं पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक यानी जो आप क्षितिज अपनी पढ़ते हैं, तो क्षितिज में पहले गद्य खंड देखते हैं। तो गद्य खंड में सबसे पहले गद्यांश देखेंगे। गद्यांश क्या मिलेगा? 5 MCQ मिलेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। 5 जो है गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश के नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक ऑप्शन आपको सॉल्व लिखना है उत्तर के रूप में। तो 5 मार्क्स का ये हो गया। इसके अलावा पाठ से ही 2 नंबर के MCQ होंगे। जितने भी पाठ हैं गद्यांश में, गद्य खंड वाले जितने भी पाठ हैं, उसमें से किसी भी किन्हीं भी केवल 2 क्वेश्चन MCQ के रूप में पूछे जाएंगे। तो ये नया जुड़ा हुआ है MCQ वाला पाठ ये गद्यांश से। ठीक है, और गद्यांश के अलावा पाठ से 2 नंबर का ये जो है अलग से जुड़ा हुआ है। तो 5 नंबर का MCQ इधर, 5 नंबर का MCQ इधर, तो 5, 2, 7 हो गया। तो टोटल ये हो गया। इसके अलावा गद्य खंड से जो है लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ये पहले भी आता था 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल गद्य खंड से कुल कितना हो गया? 5, 2, 7, 8, 15 मार्क्स का हो गया ये गद्यखंड से। आगे देखिए पद्यखंड यानी कविता वाला भाग। कविता वाले भाग में कोई एक कविता का आपको अंश दे दिया जाएगा पद्यांश और 5 MCQ पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 मार्क्स के। इसी तरह से आपको पूरे समस्त पाठों में से कोई दो MCQ पूछा जाएगा, कोई 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एक नंबर का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल कितना हो जाएगा? 2 मार्क्स का। और इसके अलावा लघु उत्तीर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे कविता वाले पाठों से। लघु उत्तीर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? वो पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबका मार्क्स 2 होगा। ये परिवर्तन हुआ, पहले 4 क्वेश्चन आते थे, अभी 3 ही आएगा।
और 2 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो गया 6 मार्क्स। तो इस तरह से 5, 2, 7, 6, 13 मार्क्स का ये हो गया ये कविता वाला पोर्शन, और 15 मार्क्स का हो गया गद्यखंड वाला पोर्शन। इसके अलावा कृतिका, कृतिका से आपको जो है 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन रहेगा, यानी आपको जो है 3 क्वेश्चन में से कोई 2 सॉल्व करने होंगे, तो ये 6 मार्क्स होगा 6 मार्क्स का। इसके अलावा अनुच्छेद, 80 से 100 शब्द का अनुच्छेद लिखेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद होगा नए विषय पर होगा, ऐसे विषय जो वर्तमान समय से संबंधित होंगे ऐसे अनुच्छेद, और 3 अनुच्छेद दिए, 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा, 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे लिखना होगा, और ये 5 मार्क्स का होगा। इसके अलावा पत्र औपचारिक या अनौपचारिक पहले भी आता था 5 मार्क्स का, वो रहेगा एक क्वेश्चन। विज्ञापन पहले भी आता था 5 मार्क्स का, वह भी रहेगा 1 क्वेश्चन। एक नया है संदेश लेखन, शुभकामना या पर्व या त्यौहार के आधार पर पर्व या त्यौहार पर जब आप अपने संबंधियों को संदेश भेजते हैं तो वो जुड़ा है नया 5 मार्क्स का। तो इस तरह से आप देखते हैं कि टोटल 80 मार्क्स का हो गया, और श्रवण तथा वाचन 10 मार्क्स का पिछले साल भी था, परियोजना 10 मार्क्स का पिछले साल भी था। तो टोटल अगर हम नए सेगमेंट की बात करें तो MCQ भरे हुए हैं, बढ़े हैं, जैसे यहाँ 16 नंबर का MCQ, इसके अलावा यहाँ पे 7 नंबर का MCQ इधर हो गया, 7 नंबर का इधर हो गया, तो 7, 7, 14, 16, 30 नंबर का, यानी 30 प्रश्न MCQ रहेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब MCQ पूछता है तो उत्तर गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हिंदी। अब अगर हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो आपको करना क्या है कि पाठों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो व्याकरण का हो और चाहे पाठ के हो। तो ये कहानी ये थी इसके प्रश्न पत्र की। साथ ही हम देखते हैं कि कौन कौन से पाठ अब आपको नहीं पढ़ने हैं वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए, किन किन पाठों को उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देव का सवैया या कवित्त, ये पहले भी हटा हुआ था, ये केवल पढ़ने के लिए था, अभी भी वो सूची में है, मतलब इसको नहीं पढ़ना है। दूसरा जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। नागार्जुन, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये पहले आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी इसको नागार्जुन को यह दंतुरित मुस्कान और फसल इस सत्र के लिए इसे हटा दिया गया है। इसके अलावा मंगलेश डबराल का संगतकार, ये भी जो है पहले पढ़ते थे, लेकिन अभी ये गद्य पद्य खंड में यानी कविता में ये 4 पाठ ऐसे हैं जो आपको वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए नहीं पढ़ने हैं। और साथ ही साथ गद्यखंड में देख लीजिए तो मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी आपको नहीं पढ़ना है, पहले आप पढ़ते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, पहले भी नहीं पढ़ते थे, यानी इसके पहले वो पाठ्यक्रम में कम किया गया था, इस बार भी सूची में है, यानी आपको नहीं पढ़ना है। नौबत खाने में इबादत, आपको नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह खान साहब को यतीन मिश्र ने लिखा है। भदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति, पहले भी नहीं पढ़ते थे, यानी पिछले साल आपने नहीं पढ़ा था, इस बार भी नहीं पढ़ेंगे, यानी वो भी सिलेबस में जो है नहीं है। इसके अलावा कृतिका से यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये हट गया है, और मैं क्यों लिखता हूँ ये भी हट गया है, ये पिछले साल भी नहीं था, पढ़ने के लिए था, इस साल भी उस सूची से बाहर है। कहने का मतलब है इस तरह से 4, 4, 8, 2, 10 पाठ हटा दिए गए हैं। अगर नए पुराने मिला के बात करें, अब आपके समझ में आएगा कि अगर इतने पाठ हटा दिए गए हैं तो पढ़ना क्या है, पढ़ना है आपको पद सूरदास का, ये पद पढ़ना है, साथ ही आपको तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ना है, साथ ही आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराले का उत्साह और अट नहीं रही है निराला जी का, ये पढ़ना है, और साथ ही आपको कन्यादान पढ़ना है ऋतुराज का, ये तो पढ़ना है आपको कविता में, और गद्य में क्या पढ़ना है, नेताजी का चश्मा पढ़ना है आपको, पढ़ना है बाल गोविंद भगत, पढ़ना है लखनवी अंदाज, पढ़ना है मानवी करुणा की दिव्य चमक। कृतिका में क्या पढ़ना है आपको, ये तो गद्य में हो गया, क्या क्या पढ़ना है, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और मानवी करुणा की दिव्य चमक। कृतिका में आपको क्या पढ़ना है, कृतिका में आपको पढ़ना है माता का अंचल, जाज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। तो ये
जो है आपको ये पाठ पढ़ने हैं और ये सारे पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, तो आप इसका एक जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पैटर्न भी आपके समझ में आ जाएगा, नहीं कहीं नोट कर लेंगे और साथ ही इन पाठों को भी आप नोट कर लेंगे। देखिए कक्षा 9 में क्या परिवर्तन हुए हैं, CBSE की तरफ से अपठित गद्यांश आएगा 100 से 150 शब्द का। ये इसमें क्या है, एक मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो ये टोटल 10 मास का रहेगा। अपठित गद्यांश रहेगा, पद्यांश नहीं रहेगा, केवल गद्यांश रहेगा। इसमें भी एक मास के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मास के 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 मास का रहेगा। व्याकरण, व्याकरण में पुराना ही है, 16 मार्क्स का पहले भी आता था, अभी भी 16 ही मार्क का है, जिसमें उपसर्ग 2 नंबर का यानी 2 मार्क्स का, प्रत्यय 2 नंबर का 2 मार्क्स का, और समास 4 नंबर का, अर्थ के आधार पर वाक्य 4 नंबर का, और अलंकार 4 नंबर का। तो वही सेगमेंट पुराना है व्याकरण में, उपसर्ग प्रत्यय समास अर्थ के आधार पर वाक्य अलंकार, यानी व्याकरण में कक्षा 9 या 10 में जो है कम नहीं हुआ है, वो 16 मार्क्स का पहले भी था अभी भी है। अब देखिए लेकिन पद्यांश नहीं आएगा, अपठित गद्यांश से आएगा लेकिन पद्यांश नहीं आएगा। गद्य खंड में देखिए, गद्य खंड में गद्यांश यानी जो आप अपनी किताब पढ़ते हैं क्षितिज, उसमें से जो है आप देखिएगा कि गद्यांश यानी कोई एक अंश दे दिया जाएगा और उससे क्या पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये टोटल 6 मार्क्स का हुआ। इसके अलावा पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे और वो पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के 4 प्रश्न, 2 मार्क्स के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन दिया जाएगा यानी आपको कोई 5 प्रश्न दे दिया जाएगा, 4 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, तो टोटल 8 मार्क्स का ये हो गया। इसके अलावा पद्यखंड, पद्यखंड में आप देखिए कि पद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश से 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 6 मार्क्स के। इसके अलावा पाठ से प्रश्न यानी जो ऑप्शनल होंगे, यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल हो गया 8 मार्क्स। इसके अलावा कृतिका जो दूसरी किताब है उससे क्या है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के और ऑप्शन दिया जाएगा। और आगे देखिए कि जो लेखन वाला है उसमें क्या परिवर्तन है, अनुच्छेद 80 से 100 शब्द में लिखना है आपको, 5 मार्क्स का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी 2-3 ऑप्शन में कोई एक को आप लिखना होगा। पत्र औपचारिक या अनौपचारिक इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, 5 मार्क्स का लिखना होगा। संवाद लेखन पहले भी लिखते थे, आपको अभी भी लिखना है। इसके अलावा लघु कथा, ये पहले नहीं लिखते थे आप, अभी आपको लघु कथा लिखनी है, ये ऑप्शनल होगा, यानी आपको 2-3 ऑप्शन दिया जाएगा, किसी एक पे आपको कहानी लिखनी होगी। ये कहानी लिखनी होगी 100 से 120 शब्द की और ये 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल 80 मार्क्स हो गया। श्रवण और वाचन 10 मार्क अंक का पहले भी होता था, परियोजना कार्य 10 अंक का पहले भी होता था, अभी भी है, टोटल ये 80 मार्क्स और 10, 10, 20 यानी 100 मार्क्स। तो इस तरह से देखें तो लेखन में एक नई चीज़ जुड़ी है आपकी, जो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, बाकी लगभग वही है। अपठित में गद्यांश है लेकिन पद्यांश नहीं है, बाकी चीज़ें वही है। 10th और 9th के सिलेबस में यही अंतर है कि 10th में बहुत ज़्यादा MCQ पूछा जाएगा, यानी लगभग 30 क्वेश्चन MCQ पूछे जाएंगे, आपको नंबर स्कोर करना मुश्किल होगा। लेकिन 9th में क्या है, ये मामला नहीं है, 9th में आपको जो है लेखन आपका ज़्यादा है, ऑप्शन आपको कम मिलेगा। इसी तरह से देखें कि कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं कक्षा 9 के लिए, 2020-21 के लिए, इस सत्र के लिए कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं। तो कबीर, कबीर का देखिए, कबीर से क्या है, साखियां हटाया गया है व शबद पाठ से शबद 2, ध्यान रखिएगा जो लिखा है CBSE के उसमें, शबद पाठ से शबद 2, शबद है 2, एक है एक और एक है नंबर एक, पहला एक और एक दूसरा ना, तो इसमें से केवल शबद संख्या 2 हटाने की बात की गई है, शबद संख्या 1 हटाने की बात नहीं की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि साखियां व शबद जो है कबीर से, और सुमित्रानंदन पंत का ग्रामसी पहले भी हटा हुआ था, यानी इसके पहले आप पढ़ने के लिए पढ़ते थे, इस सूची में भी वो शामिल है। केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र गहना से लौटती बेर आप पहले पढ़ते थे, इस बार आपको नहीं पढ़ना है 2020-21 के लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेघाय आप पढ़ते थे, अब आपको नहीं पढ़ना है इस सत्र के लिए। इसके अलावा चंद्रकांत देवताले का यमराज की दिशा पहले आप पढ़ते थे, अभी आपको नहीं पढ़ना है आगे। ये तो कविता से है कि आपको इतने 5 कविताएं नहीं पढ़नी है, 5 पाठ नहीं पढ़ने हैं। श्यामाचरण दुबे
गद्य में देखेंगे श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति आपको नहीं पढ़नी है। चपला देवी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये जो है ये पाठ आप पहले पढ़ते थे, अभी आपको नहीं पढ़ना है। चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, पहले पढ़ते थे अभी नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन आपको नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, ये भी कोर्स से हटा हुआ है, अर्थात इससे चार पाठ हटे हुए हैं। इसमें से कुछ पाठ पहले भी पढ़ने के लिए थे, अभी जो है उनको अभी भी इस सूची से बाहर रखा गया है। कृतिका में देखिए फणीश्वरनाथ रेणु का इस जल प्रलय में आप नहीं पढ़ रहे थे पिछले साल भी, अभी भी आपको नहीं पढ़ना है। और शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये भी आप इसके पहले नहीं पढ़ते थे, केवल पढ़ने के लिए था, किताब में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस बार भी इसी सूची में शामिल है कि इससे ये हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से देखें तो 5 पाठ इसका कविता का और 4 पाठ जो है गद्य का, 5, 4, 9 और 2 कृतिका के, 11 पाठ हटा दिए गए हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है दो बैलों की कथा पढ़नी है, मुंशी प्रेमचंद का लासा की ओर पढ़ना है, राहुल संकेत्यायन का और क्या पढ़ना है, सांवले सपनों की याद पढ़ना है जाबिर हुसैन का, इसके अलावा प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ना है गद्य खंड में। और कविता में क्या पढ़ना है, वाक् पढ़ना है आपको, सवैये पढ़ना है, कैदी और कोकिला पढ़ना है, और पढ़ना है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और कृतिका में आपको पढ़ना है क्या, रीढ़ की हड्डी पढ़नी है, और पढ़ना है मेरे संग की औरतें, और क्या पढ़ना है, माटी वाली पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये जानकारी थी, चूँकि आज ही ये नोटिफिकेशन आया है और मैं आपके लिए आज ही वीडियो लेके आया हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी सभी बच्चे अपडेट हो सके, उनका कुछ भला हो सके। और आप निश्चित रूप से अगर लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ये भलाई का काम करेंगे। आपने समझा, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।